आज एक बात मैं अर्ज करता हूँ बस हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों सबके लिए, खासतर उन लोगों के लिए जिनकी अभी शादी नहीं हुई, कुंवारे हैं, उनके लिए बहुत अहम चीज़ है। एक बात आप समझ के चलें कि ज़िंदगी दो हिस्सों में बटी हुई है हमारी, एक शादी से पहले की ज़िंदगी, एक शादी के बाद की ज़िंदगी। अगर अज़दवाजी ज़िंदगी के एतबार से देखें तो दोनों ज़िंदगियां बहुत मुख्तलिफ हैं। जो पहले की ज़िंदगी है इसका असर बाद की ज़िंदगी पे ज़रूर पड़ता है। शादी से पहले आप जिस तरह के थे और निकाह के बाद आपकी ज़िंदगी पर नहीं बल्कि अब आपके औलाद पर भी वो आपके अखलाक आपके अमाल का असर पड़ता है। इसी वजह से शादी के वक्त में इस्तिग़फ़ार पढ़ाते हैं, तौबा कराते हैं, कलमा पढ़ाते हैं कि पिछले सब चीज़ें माफ़ हो जाएं, साफ़ हो जाएं, पाक हो जाएं, ताकि अब आने वाली ज़िंदगी में मेरे पिछले करतूत का असर ना आ सके, मेरी औलाद मेरे गुनाहों को ना भोगते। इसलिए दूल्हा भी पढ़ता है, दुल्हन के यहाँ भी पढ़ाया जाता है, वो तौबा करके एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे होते हैं। लेकिन आज के इस माहौल के एतबार से हमें नबवी तरीक़ा क्या है? बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बच्चियाँ इस ज़माने में अपने आप को कैसे बचा कर रखती होंगी या कैसे बचा कर रखते होंगे, अल्लाह ही बेहतर जाने और वो खुद जाने। क्योंकि एक दौर था जब जवानी आती थी तो बहुत सारी बंदिशें थी, मोहल्ले के लोग, माँ बाप, भाई बहन, माशरा, समाज, ये सब की दीवारें तोड़ करके जा करके कोई गुनाह करता तो करता, अपने घर से भी निकलना होता, अपने भाइयों से आंख बचाकर, माँ बाप से आंख बचाकर, मोहल्ले वालों से, समाज से, जहाँ कोई उसको नहीं पहचान रहा है वहाँ जा कर के वो फिर अपनी अय्याशी करता। अगर मर्द है तो किसी औरत से मिले, लड़कियों से ख्वाहिश पूरी करे, लड़कियाँ इस तरह से छुप करके चली जाए। एक वक्त ये था जब इतनी दीवारें फलांद करके उन्हें जाना था। अब जिस माहौल में आप जी रहे हैं, सारी दीवारें खुद गुनाह फलांद कर तुम्हारे तकिए के नीचे आ जाते हैं। अपनी तन्हाई में, अपने तन्हाई के औकात में सारी चीज़ें, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रो रो करके भी मेरे पास, एक नहीं मेरे पास बहुत है, मैं राजदारी में रखूं, किसी को जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन बस उन्होंने फ़कत अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए मेरे सामने कहा होगा, या तो फिर हो सकता है इलाज मुआलजे या दुआ की गरज से उन्होंने कहा होगा। कहें तो किससे कहें, आज ये हालात बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं, आखिर इसका इलाज क्या है? क्या हमारे उन नौजवान बच्चे और बच्चियों के हाथ में मोबाइल, इंटरनेट और इसके साथ साथ जो उरियानियत, गंदी और फहश फिल्में और तस्वीरें, ये सब जो अखलाक और ईमान को तबाह कर रही, इसका आखिर इलाज क्या है? क्या करेंगे? बड़े परेशान हैं, अपने हाथों खुद की तबाही कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बच्चियाँ। और फिर चंद दिनों के बाद जब उनकी निकाह के अय्याम आते हैं तो फिर उनकी परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँगा मेरे अजीज़ों, पहली चीज़ तो ये, नौजवानी जैसे आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म में यकीनन बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। अगर घरों में ऐसे और माशरे में एक ऐसे रिवाज बना कर रखे हैं तो उस रिवाज को तोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूँ लड़का हो या लड़की हो, 18 साल के बाद कानूनी एतबार से भी और इस्लामी एतबार से भी उसके लिए शादी का प्लेटफॉर्म पूरा ओपन है। कोई बंदिश ना हुकूमत की तरफ से है ना शरीयत की तरफ से है। शरीयत में तो बालिग होने के बाद कभी भी उसको निकाह की परमिशन है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी गवर्नमेंट के एतबार से तो 18 साल की उम्र, लेकिन यही एक भड़केली उम्र होती है 18 से 25 साल की उम्र। इन दिनों में जो तबाही आती है वो 50 साल के बराबर की तबाही एक साल के अंदर भी वो कर सकता है, उसके पास उतनी सारी चीज़ें उस वक्त, क्योंकि जितना भी करोगे ख्वाहिश मरेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम मौत के मुंह में जा रहे होगे तब तक भी तुम्हारी ख्वाहिश नहीं मरेगी जो ख्वाहिश उस वक्त आ जाती। उसका सबसे पहला इलाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान इसी तरह से आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं, बच नहीं पाता हूं।
मेरे लिए कुछ हल फरमाए, इरशाद फरमाए। जवानी है और इस तरह के ख्यालात आते हैं दिमाग में और ऐसे ऐसे मामलात होते हैं, मैं क्या करूँ। दो चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ऐ नौजवान, पहली चीज़ तो यह है कि अल्लाह ने हलाल किया है तेरे लिए निकाह, तो जल्दी निकाह कर ले, और अगर इसकी इस्तेआत नहीं है, ताकत नहीं है, तो रोज़ा रखना शुरू कर, दो में से एक कर, अल्लाह तुझे महफूज रखेगा। तो ये नबवी इलाज है, ये मेरे आका का दिया हुआ इलाज, या तो तू निकाह कर ले या तो रोज़ा रख। अब यहाँ पर निकाह का मसला आता है, तो जो हमारे यहाँ बंदिशें लगी हुई हैं ना कि इसकी एज ही क्या है अभी, ये 18-20 साल का, शादी करके क्या करने वाला है तू, औरत को कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन तमाम चीज़ों की तरफ कभी ख्याल ना करो। तुम्हारे जेब खर्च के लिए अगर तुम्हारे पास 50 रुपये भी आते हैं तो समझ करके चलो कि तुम शादी के लायक हो, तुम शादी के लायक हो। और कुरान जब ये कह रहा है कि अगर तुम फकीर हो तो अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा, इन यकूनु फुकरा युग्निहिमुल्लाहु मिन फजलिही, अल्लाह फरमा रहा है जिन लोगों ने निकाह का इरादा किया, कस्द किया, अगर वो फकीर हैं, फकीर किसको कहते हैं मालूम है ना आपको, वो सिर्फ तबला बजाने वाले को फकीर नहीं कहते, जो निसाब से भी कम जिसके पास माल है, एक वक्त का खाना है दूसरे वक्त का नहीं है, ऐसी भी हालत हो सकती है फकीर की, अल्लाह फरमा रहा है फकीर अगर निकाह का इरादा करे, अल्लाह का वादा है कि अपने फजल से मैं उसको गनी करूँगा। तुम्हारे पास ये बैक सपोर्ट है अल्लाह ताला का, उसने जब ये फरमाया, गुनाहों से बचने के लिए जिसने ये निकाह किया, पहली चीज़ ये समझ ले। नौजवानों को भी कहूँगा, बच्चियों को भी, बच्चों को भी, सबको, निकाह का मतलब शो शाइनिंग और ज़्यादा रियाकारी दिखावे के लिए नहीं होता। अरे मैं इतनी बड़ी लड़की से करके लाया हूँ इतने, और वो ये समझे कि मैं उससे करके लाया हूँ, इससे करके लाया, निकाह इसलिए नहीं होता। अगर आप समझते हो कि लड़कों के लिए, पहली बात, अगर आप ये चाहते हो कि हमेशा आपकी बीवी से आपकी मोहब्बत कायम रहे और नेकियों के साथ तुम्हारी ज़िंदगी गुजरे, ये मेरे उस्ताद ने मुझे भी नसीहत की थी शादी से पहले की बात, कहा एक नियत ये कर लेना कि ऐ अल्लाह मुझे, मैं निकाह का इरादा कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरी आंखें और मेरी शर्मगाह महफूज हो जाए, जिसको कहते हैं तहसीनुल फर्ज, और बुज़ुर्गों ने लिखा है इस नियत के साथ जिसने किया पूरी ज़िंदगी भर अल्लाह तबारक व तआला उसके पीछे उसकी मदद में लगा है, उसकी बीवी के साथ उसकी मोहब्बत कायम है और उसको दूसरी औरतों की तरफ मायल होने से खुद मौला बचाता है। अगर तुम्हारी नज़रें ख़ता करने लग जाएं तो रब तबारक व तआला तुम्हारी आंखों को फेर लेगा और तुम्हारी बीवी को सारी औरतों से खूबसूरत बना के पेश करेगा। ये दिल का मामला होता है कि वरना देखा जाए अगर इंसान जो है 8 दिन कंटिन्यू गोश्त नहीं खा सकता, रोज़ाना गोश्त खाएगा उगता जाएगा, लेकिन एक बीवी के साथ 50 साल भी रह लेता है, कैसे रहता है? अल्लाह तबारक व तआला वो मोहब्बत डालता है। बाकी दूसरी चीज़ों में कहाँ है, कपड़े आपके कंटिन्यू कई दिन तक नहीं चल सकेंगे, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, इंसान की आदत है कुल्लु जदीदिन लजीज़ुन, हर नई चीज़ लज्जत वाली होती है। लेकिन बीवी के बारे में चंद लोगों को छोड़ करके जो अय्याश होंगे, बाकी मेजॉरिटी एक औरत के साथ खुश हैं ज़िंदगी में, किस वजह से? अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में मोहब्बत खुद पैदा करता है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इलाज और गुनाहों से बचने के लिए ये बंदिशें तोड़ी जाएं। नौजवान अगर आगे आए तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मौका है। हज़रत शाह किरमानी की बात मुझे याद आती है, शाह किरमान एक इलाका है, ये भी खुरासान का, उस इलाके के वो बादशाह थे, शाह किरमान उनको कहते, बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग परहेजगार। एक दिन आए मस्जिद में, देखा एक नौजवान इबादत में मसरूफ़ है, मगरिब के बाद, फिर इशा पढ़ी आपने, इशा के बाद भी वो बैठा रहा कोने में मोतकिफ़ होकर,
दूसरे दिन आप आए, देखा उस नौजवान को, बराबर वक्त पर आता है और वक्त से पहले मस्जिद में, और उसके बाद नमाज के बाद गिड़गिड़ाता है अल्लाह की बारगाह में, रोता है। दो दिन देखा, तीसरे दिन आपने उसको मगरिब में पूछा कि बेटा तुम कहाँ से हो, क्या हो? कहा कि हुजूर मैं मुसाफिर हूँ, मेरा कोई घर नहीं, बस दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, लकड़ियाँ चुनता हूँ और उसको बेचता हूँ, और जो मेरे आमदनी आती है उससे मैं घर चलाता हूँ या मेरा खर्च चलाता हूँ। आपने फरमाया तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता, अकेला है, नौजवानी है तेरी, मस्जिद में रात के वक्त तक बैठा रहता है, क्यों ना शादी करके अपनी घर अपना घर बसाएगा। उसने कहा कि हुजूर मुझ जैसे गरीब को कौन बेटी देगा, मेरा घर नहीं है, एक झोपड़ी डाल करके मैं रहता हूँ, खीमा है बस। हजरत शाह किरमान ने कहा अगर मैं मेरी बेटी दे दूँ तो उनकी बेटी के लिए बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते थे। उन्होंने कहा क्या तू कबूल करेगा? वो चूंकि उस वक्त तक जानता नहीं था, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको मेरी जात पर यकीन है तो आप निकाह कर दें, मैं आपकी बच्ची को संभालूंगा। मगरिब में ये बात हुई, घर गए, घर जाकर के अपनी बेटी से कहा कि बेटा मैंने तेरे लिए एक दूल्हा ढूंढा है, ऐसा ऐसा है, फला है। बेटी फौरन बाप की बात पर राजी है, ना घर है कुछ नहीं है, बस ये है इबादत करता है, उसके अंदर तकवा है, परहेजगारी है, बस इस बात पर दूसरे दिन सुबह उसी मस्जिद में निकाह हो गया, चंद लोगों के साथ बैठ करके निकाह हो गया। शाम को शाहे किरमान की शहजादी इस फकीर नौजवान के घर ब्याह करके लाई गई, इसकी तरफ से दूल्हे की तरफ से कोई नहीं है, लड़की के घर की तरफ से जो लोग भी रहे, और दुल्हन आई झोपड़ी में, जिस वक्त आई तो देखा कि एक सुराही है मट्टी की और उस पर गिलास रखा हुआ है, बाकी एक तकिया और एक बिछोना बिछा हुआ, कुछ भी नहीं है पूरी झोपड़ी में, और उस सुराही पर यानी मटके पर आधी रोटी रखी हुई थी, आधी रोटी। तो दुल्हन पहले ही दिन आई, पूछा घर में कुछ नहीं है आज, कहा कि आधी रोटी मैं खा चुका हूँ, ये कल के लिए आधी। वो रोने लग गई, कहा कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मेरे वालिद ने कहीं गलत जगह मेरा निकाह तो नहीं कर दिया। तो वो पहली रात है ये नौजवान, कहा मुझे मालूम है बड़े घर की लड़कियाँ हम जैसों के साथ रह नहीं सकती, मैंने तुम्हारे अब्बा से पहले ही कहा था, लेकिन उन्होंने इसरार किया और मेरा निकाह कर दिया, मुझे मालूम है तू इस झोपड़ी में खुश नहीं रह सकती। वो दुल्हन जो थी कमाल की थी, उसने खड़े होकर के कहा खबरदार मेरे बाप के मुतालिक ये ना कहो, मैं बड़े घर की हूँ और बड़ा घर देखना नहीं चाहती, मेरा अकीदा ये है जो मौला आज तुम्हें रोटी खिलाया है वो कल भी खिलाए, जिसने आज आधी रोटी खाकर कल के लिए आधी बचाया है तो क्या उसे अपने रब की ज़ात पर यकीन नहीं है? तो जिस बंदे को कल के मुतालिक अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है तो मैं उसके बिस्तर पे कैसे आऊँ? उसी वक्त आधी रोटी ले जा करके वो खैरात कर दी, जिसको भी ज़रूरत थी वो दे दिया। ये शाहे किरमान थे बादशाह, लेकिन तरबियत अपनी बच्ची की तवक्कुल की ज़िंदगी में किया था, अल्लाह की ज़ात पर ऐसा यकीन, क्या हमारी बच्चियाँ इस तरह से आज जाने को तैयार हो सकती? माँ बाप ने पहले ही उनके दिमाग ख़राब किए हैं, और अगर माँ बाप ने नहीं ख़राब किए हैं तो सीरियल और टीवी वालों ने तो तबाह करके रखा है। हर लड़की का एक ख्वाब है कि मेरे ऐसे ही आदमी से निकाह होगा जैसा ये छिचोरा नाचता है, और लड़के यही सोच करके बैठे हैं कि मेरी दुल्हन ऐसी ही होनी चाहिए। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी आप मुसलमान होने के नाते ये सोचते हैं कि मेरी उम्र 22 साल की हो तो मैं मौला अली करमल्ला वजहुल करीम की तरह दूल्हा बनूं और मेरे घर आने वाली कोई फातिमा हो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से? क्योंकि उस तरह कोई हम में से हो नहीं सकते, लेकिन ख्वाहिश करना नेकियों के लिए ये बहुत अहम चीज़ है, इबादत है। नौजवानों आज अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर यकीन रखो
और इन खुराफात के खात्मे के लिए तुम आगे बढ़ो। मैं पूरी दुनिया को क्या मैसेज दूँ, दूसरों को क्या समझाऊँ? मैं अपने बच्चों से तो ये कह सकता हूँ कि बड़े डिमांड ना रखो, बड़े मुतालबे, बड़े इस तरह के। याद रखना, जिसने अपनी बीवी के घर के जहेज की लालच में शादी की है, अनकरीब अल्लाह उसे ऐसा मोहताज बनाएगा कि वो दर दर की ठोकरें भी खाएगा। ऐसे बेशुमार वाक़ियात हैं और हदीस रसूल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत के माल को देखकर निकाह किया, अल्लाह उसको सबके सामने फ़कीर बनाएगा, मोहताज बनाएगा। और देखा है हमने, खाली कर्जे मांगते घूमते रहते, उससे कर्जा लिया, इससे कर्जा, बीवी का माल तो पूरा खा लिया, उसका सोना भी बेच दिया। नहीं है ऐसे, औरतों का सोना ले जा करके बैंक में रख दिया। और फिर अक्सर लोगों को यही देखने में मिलता है, उसी पर तिजारत की अपनी ईंट रखते हैं जो बीवी बेचारी घर से सोना लेके आई है। होना तो ये चाहिए था कि तुम्हारे सोने पर तुम्हारी बीवी अपने किचन की हांडियां चढ़ाए कि मेरे शोहर की कमाई पर मैं खाना पका रही हूँ। हैरत की बात है कि औरतों के लाए हुए पैसों पर लोग घर चला रहे हैं, तो नहुसत नहीं आएगी, बेबरकती आएगी, क्योंकि कुरान के खिलाफ आप कर रहे हो। उस मजलूम के माल से अगर आप अपने घर की तामीर करना चाहते हो तो सारी बरकतें ख़त्म होने वाली हैं। एक चीज़ याद रखो। और दूसरी बात यह है, सबसे पहली चीज़ अखलाक व किरदार देखें। इस ज़माने में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात की, लड़कों को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा हसीना जमीला उनके पीछे ना रहें, कि क्योंकि हुस्न चला जाएगा और अखलाक मौत तक नहीं जाते। हुस्न तुम्हारा जिस चीज़ को लेकर के तुम कर रहे हो शादी। हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़ी मिसाल दी थी। उनकी खादिमा थी, एक बड़ी खूबसूरत थी, कनीज थी, और एक खादिम वो पीछे लग गया था, ताड़ रहा था इधर उधर से आंखें, आपने महसूस कर लिया। तो चंद दिनों के लिए, दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए, हज़रत जुनेद रहमतुल्लाह अलैह ने इस खादिम को कहीं भेजा। और ये खादिमा घर में ही रहती थी, काम करती थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसको दो दिन के बाद आपने कुछ दवा पिलाई या क्या पिलाया, उसको जुलाब शुरू हो गई, यानी लूज मोशन, जिसको उस लड़की को इतने हुए कि वो तहारत खाने में भर गई सब। जाहिर सी बात है, जब लूज मोशन होना शुरू हो जाए, एक एक जोड़ ढीले हो जाते हैं, पूरा जिस्म जो है उठने बैठने की भी ताकत नहीं रहती। दो दिन वो कंटिन्यू जुलाब करती रही, उसके बाद उसको बगल के कमरे में डाला गया। ऐसी मुरझा गई थी कि ना हाथ उठ रहा है, ना पैर उठ रहा है, चेहरा पूरा पीला पड़ गया है, और उधर तहारत खाना पूरा पकाने से भरा हुआ है। दो दिन के बाद वो खादिम आया, जाहिर सी बात है ढूंढ रहा होगा अपनी महबूबा को, इधर उधर ढूंढता रहा। तो हज़रत जुनैद ने महसूस कर लिया, कहा कि तू फलानिया को ढूंढ रहा है ना? कहा, आप उसको कहाँ रखे हैं? कहा, तेरी फलानिया जो है वो टॉयलेट के अंदर है, तेरी महबूबा ये तहारत खाने के अंदर है। खोला तो उसमें पूरा पखाना भरा हुआ है, नाक पकड़ करके बाहर है, ये क्या है? कहा, उसके हुस्न को मैंने दो दिन में उतार के वहाँ पखाने में डाल दिया, अब वो जा कर के देख पलंग पर जो लेटी हुई है, क्या यही है तेरी महबूबा? अब देखा तो उसके पूरे जिस्म में ऐसी नौबत है कि ना हुस्न है कुछ नहीं, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, हाथ पैर उठ नहीं रहे। हज़रत जुनैद ने फरमाया, तू इसकी ज़ात से नहीं मोहब्बत कर रहा था, इसके हुस्न से सिर्फ, और उसका हुस्न वो पखाने में है। मेरे अजीजों, ये ज़ाहिरी चीज़ों से जो भी मोहब्बत करता रहा, उसकी मोहब्बत दवाम नहीं रहती, सब बहके चली जाती है। इसीलिए सुनने में मिलता है कि शोहर ठोकर खा करके घर में आ गया, लंगड़ा हो गया, बीवी छोड़कर भाग गई, क्योंकि बीवी ने शोहर से नहीं शादी की थी, उसके पैसे से शादी की थी। और शादी करके औरत को लेकर के आया, औरत बीमार हो गई, सुनने में आया कि आप बच्चा नहीं दे सकती, फौरन छोड़ करके आ गया, दूसरी के पीछे चला गया। तुमने उससे नहीं शादी की थी, उसके पैसे से या उसकी खूबसूरती से की थी। तो ये तमाम बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल नसीहत इतनी है, कुंवारे लोग सोच समझ करके कदम रखें। फरमाया गया है कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा, पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कुछ है तो नेक बीवी का मिल जाना है। तुम्हारी बीवी साबिरा शाकिरा मिले तो समझ लो, साबिरा नाम की, शाकिरा नाम की नहीं बल्कि सब्र करने वाली, वरना सारी साबिरा सारी शाकिरा। अल्लाह तबारक व तआला उनको नेक हिदायत दे। अगर ये मिल गई तो तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पर सुकून की है, और अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ आधी जहन्नम तुम दुनिया में ही बना लोगे। हम देखते हैं अच्छे खासे लोग जो औरतों की भी जूतियाँ खाते हैं, और कुछ औरतें मर्दों की जूतियाँ खाते हुए इसी तरह चल रही हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, गले की हड्डी ना उगलते बने ना निगलते बने। ये तमाम चीज़ें ना आए इसके लिए पहले ही से तमाम चीज़ें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की जाए। अल्लाह करीम हमारे सारे बच्चों को नेक ज़िंदगी अता फरमाए, और जितनी बच्चियां हैं उनको नेक जोड़े अता फरमाए। क्योंकि मुझे मेरे एक बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट भी किया था आज दुआ के लिए, इसके लिए मैंने बयान ही कर दिया, वो भी सुन रहे होंगे, सारे लोग भी सुन रहे होंगे, ये नसीहत ज़रूरी थी इसलिए मैंने किया है।